हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसे शेयर से रिलेटेड बातें करने वाले हैं जो कि पहले कल मैंने एक जीएम फॉर्डलर पे आपको वीडियो बना के दी थी। ओके, और मैंने आपको बताया था कि ये जो शेयर है काफ़ी बेहतरीन शेयर है। ओके, इसमें कुछ एक न्यूज़ आई थी जिसकी वजह से ये शेयर काफ़ी भागा भी था। अगर हम यहाँ पर देखें तो काफ़ी अच्छा इसने रिस्पॉन्स भी दिया था, मतलब ये शेयर काफ़ी अच्छा भाग लिया था यहाँ पर, अच्छा खासे रिटर्न इसने दे दिए थे। बट आज की डेट में ये गिरता हुआ नज़र आया था। बट स्टिल इसके कॉम्पिटिशन में एक और शेयर है जो छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। ओके, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, उससे रिलेटेड बातें करेंगे। ओके, इससे प्रोज एंड कॉन्स भी जानेंगे। बट बिफोर दैट, वीडियो में आगे बढ़े, आपसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए और हमारे बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार जो चैनल है इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि ये वीडियो ऐसी वीडियो सबको मिलती रहे और सब थोड़ी बहुत नॉलेज शेयर बाजार से रिलेटेड प्राप्त कर सके। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। और इससे पहले और एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में दो लिंक दे रखे हैं, एक आपको फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए एंजल ब्रोकिंग के साथ। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपका 0 डिलीवरी चार्जेस है, 0 ब्रोकरेज है फॉर 30 डेज और फ्री मार्जिन ट्रेडिंग फंड है फॉर 30 डेज, अगर आप नीचे दिए हुए लिंक्स पर क्लिक करके अकाउंट ओपन कराते हैं अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो। और अगर बात की जाए यहाँ पर फ्री में आप अगर, और यहाँ पर एक लिंक और है, यहाँ पर आपको पता ही है अयोध्या में श्री राम जी का जन्मभूमि का मंदिर बन रहा है। अगर यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ जाके आप डोनेट कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार, 10 रुपये से लेके आप कितना भी डोनेट कर सकते हैं, आपकी आप जितना चाहे अपनी श्रद्धा के अनुसार आप वहाँ पर डोनेट कर सकते हो और एक पुण्य काम में मदद कर सकते हो। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले रिटर्न दिखाना चाहूँगा, देखिए आज की डेट में 1% ये शेयर भाग गिरा है। 1 वीक की बात करें तो 38, मतलब 40% के लगभग, 1 मंथ में भी लगभग 33%, 2-3 मंथ्स में 22%। यहाँ पर ये क्या रीज़न है 3 से 6 महीने के बीच में कि ये शेयर भागा नहीं है? तो इसके पीछे एक रीज़न है ये टिल डेट, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा अगर 1 ईयर की देखें तो 115%, 2 साल में 1100%, 3 साल में 966%, 4 साल में 985%, 5 साल में 1757%, 10 साल में 5038, मतलब 5038.88% के रिटर्न्स इसने दिए। तो इसे कहते हैं मल्टी बैगर। ओके, ये शेयर होते हैं मल्टी बैगर। ओके, इससे रिलेटेड ही बाद में बातें करने वाले हैं। ओके, तो मैं सबसे पहले चार्ट पैटर्न दिखाऊंगा। देखिए 1926 रुपये पे ये शेयर चल रहा है। ओके, अगर हम यहाँ पर देखें 5 डेज का चार्ट पैटर्न, ये आपको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे ही मिलेगा केवल और कहीं नहीं मिलेगा। तो अगर हम यहाँ पर 5 डेज का चार्ट पैटर्न देखें, देखिए पॉजिटिव। 1 मंथ का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो ये कि यहाँ पर भी पॉजिटिव आपको दिखाई देगा। 6 मंथ का चार्ट पैटर्न जरूर देखेंगे, क्यों? क्योंकि जब ये जीएम फॉर्डलर चल रहा था तो ये जीएम फॉर्डलर की ही नकल करता है एक्चुअली, आपको कह दे। तो देखिए यहाँ पर ऊपर गया शेयर, शेयर ही ऊपर जाने पर जीएम फॉर्डलर यहाँ पर डंप हुआ था तो अगस्त में लगभग, तो ये भी शेयर भी डंप हुआ। फिर उसी कंसोलिडेशन फेज पे देखिए जीएम फॉर्डलर गया और इसी कंसोलिडेशन फेज पे ये भी शेयर चला गया। बट इसके बाद, और इसका बस यही लिंक है कि सेम बिजनेस में है ये। ओके, बट आपको बताना चाहूँगा जीएम फॉर्डलर बड़ी कंपनी है, ये थोड़ी छोटी कंपनी है। और यहाँ पर अगर देखे कि ये शेयर ने, देखिए उस जीएम फॉर्डलर ने भी इसी टाइम जंप लगाई थी और इसी शेयर ने भी उसी टाइम जंप लगाई थी। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये जीएम फॉर्डलर का चार्ट है 5 डेज का, देखिए 6 मंथ का अगर मैं निकालता हूँ, देखिए ऊपर था, ऊपर से नीचे गिरा, फिर ये कंसोलिडेशन फेज, और अभी देखिए यहाँ पर जंप। अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न जेएम फॉलर का दिखाता हूँ तो देखिए काफ़ी बेहतरीन चार्ट पैटर्न है इसका। ओके, आपको नीचे से ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा, पॉजिटिव रिटर्न ही दिखाई देंगे। ऐसी अगर मैं आपको इस शेयर का अगर दिखाता हूँ तो देखिए यहाँ पर कभी 9 रुपये का शेयर हुआ करता था और इसने क्या मल्टी बैगर रिटर्न दिए। ओके, लगभग कितने 21,000% के रिटर्न दिए है इसने। और क्या चाहिए आपको, ऐसे ही शेयर ऐसा हमें ढूंढने चाहिए। काफ़ी जो मार्केट में लोग हैं उन्होंने पहचान लिया होगा किस शेयर से रिलेटेड बातें कर रहा हूँ, नहीं पहचाना तो फिर भी आपको बताना चाहता हूँ। तो ये शेयर है एचएलई ग्लास कोट। ओके, एचएलई ग्लास कोट ये भी सेम ही बिजनेस में है एक्चुअली, और ये जीएम फॉर्डलर की तरह ही एक्ट कर रहा है। और ये कब कब में भाग गया आपको भी नहीं पता चली और मुझे भी नहीं पता चली, आज जब मैंने देखा इसके कल रिटर्न्स तो ये इसी तरीके से जैसे जीएम फॉर्डलर भागा तो ये भी भागता हुआ नजर आया। और कि इसने कितने लगभग 38% के रिटर्न्स आपको दे दिए, 40% 38% के रिटर्न्स आपको विद इन अ वीक दे दिए। अगर बात की जाए यहाँ पर इसके कुछ फंडामेंटल्स की, तो देखिए स्मॉल कैप कंपनी, स्मॉल कैप कंपनी का मतलब होता है कि शेयर भागता भी तेज है जो कि आपने देखा ही है और गिरता भी तेज ही है, और जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न हम देखते हैं ना, तो देखिए भागने का तो आप देख ही सकते हैं,
ओके किस तरीके से भाग रहा है। बट गिरने का अगर मैं आपको दिखाऊं तो गिरावट अच्छी खासी होती हुई बीच बीच में हमें दिखाई दी है। यहाँ पर से देखिए, ओके यहाँ से नीचे डंप हुआ, फिर यहाँ से फिर नीचे डंप हुआ, फिर यहाँ पर तो देखिए, यहाँ पर तो प्रॉब्लम सबको आई थी। देखिए सेप्टेम्बर में यहाँ से यहाँ डंप हुआ, ओके, और फिर दी जो भागा है ये भागता हुआ आपको साफ नज़र आ रहा है। तो आज जेएम फॉर्डलर गिर गया तो ये भी शेयर गिर गया। ओके तो स्मॉल कैप कंपनी है तो इसकी तरफ ध्यान देना। PE 56 का है और ROCE काफ़ी बेहतरीन है। कितना? 43.1%। तो आपको पता है 30% या उससे ज़्यादा होता है तो काफ़ी बेहतरीन शेयर माने जाते हैं उन शेयर को। अगर HLE ग्लास कोट इज़ बेस्ड ऑन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया एंड इट इज़ इंगेज द बिजनेस ऑफ ग्लास लाइंड इक्विपमेंट, और ग्लास लाइंड इक्विपमेंट में ये काम करता है। ओके और यहाँ पर स्टील ग्लास लाइंड इक्विपमेंट, रिएक्टर, रिसीवर, स्टोरेज टैंक, कॉलम्स एंड एग्रीगेटर, बल्ब्स, पाइप्स एंड फिटिंग एंड अदर सिमिलर इक्विपमेंट एंड रिलेटेड स्पेयर्स। तो यहाँ पे जो ग्लासेस बनाते हैं ना, जो केमिकल्स वगैरह रखते हैं जिसमें ताकि कोई रिएक्शन ना हो इस तरीके से, तो उस सभी चीज़ में ये काम करता है। एक बार इसकी वेबसाइट को आप विजिट कर लिएगा तो आपको थोड़ा सा और इसके बारे में पता चल जाएगी। तो देखिए CAGR काफ़ी बेहतरीन है, 53% का CAGR पिछले 5 साल से चलता आ रहा है। और अगर और भी बात करें यहाँ पर इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की, तो देखिए 2018 मार्च में 32 का था। ओके यहाँ पर बढ़ते बढ़ते अभी 115 करोड़ रुपए का यहाँ पर देखिए सेल्स होती हुई नज़र आ रही है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। सेल्स कंटिन्यूसली बढ़ रही है तो आप समझ रहे हो कि सबसे अच्छा बिजनेस इसका इनका चल रहा है। नेट प्रॉफिट की भी बात कर रहे हैं तो इस बार देखिए सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता हुआ नज़र आया, 17 करोड़ रुपये का प्रॉफिट, काफ़ी बेहतरीन प्रॉफिट है। अगर बात की जाए ईयर ऑन ईयर बेसिस की, तो देखिए ईयर ऑन ईयर बेसिस में भी इस बार का सबसे ज़्यादा सेल्स है। प्रॉफिट की बात की जाए तो इसी बार का देखिए सबसे ज़्यादा प्रॉफिट भी है। तो कंपनी इज़ डूइंग बिजनेस, ओके कंपनी इज़ डूइंग अ रियल बिजनेस कह सकते हैं। छोटी सी कंपनी अच्छा खासा बिजनेस कर रही है। रिजर्व्स की बात की जाए 77 करोड़ रुपीज़ के बिजनेस रिजर्व्स हैं। अगर बोरिंग की बात की जाए तो 79 करोड़ रुपीज़ के यहाँ पर बोरिंग भी हमें नज़र आती है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा हमें ध्यान भी में भी रखना है। बट कोई नहीं, कंपनी बिजनेस कर रही है तो बोरिंग भी आपको कोई परेशानी नहीं है, बोरिंग तो चुका ही देगी। और इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है कंपनी का। अगर हम यहाँ पर बात करें कैश इक्विवेलेंट की, तो 16 करोड़ रुपीज़ का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी है। एसेट भी बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर बात की जाए होल्डिंग की, तो यहाँ पर आइएगा देखिएगा 2018 से लेके अभी तक कंपनी ने देखिए कंटिन्यूसली अपनी होल्डिंग्स बढ़ाती है पर 50% की। फिर उसके बाद देखिए दिसंबर 2019 में देखिए यहाँ पर अपनी परसेंटेज में बढ़ा दी। और कोई भी एक बात को हमेशा याद रखो, अगर कोई कंपनी अपनी अपनी ही कंपनी में शेयर होल्डिंग पैटर्न को बढ़ाती है, अपनी ही कंपनी के शेयर खरीद रही है, तो कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। इस चीज़ का आप अंदाज़ा लगा लिया करें। और उससे आप क्या होगा कि उससे आप अगर उसमें कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं ना, उसके कुछ फंडामेंटल्स, कुछ टेक्निकल्स, कुछ उसकी फाइनेंशियल्स देख के, तो वो कंपनी फिर फ्यूचर में काफ़ी अच्छा ग्रोथ करती है। यहाँ पर देखेंगे तो कितना, लगभग 24% की यहाँ पर प्रमोटर्स ने अपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न को बढ़ाया। और बात की जाए यहाँ पर थोड़ा सा इसी क्वार्टर में, दिसंबर क्वार्टर में यहाँ पर घटता हुआ हमें नज़र आ रहा है लगभग 1% का। फॉरेन इन्वेस्टर्स ने भी देखिए कोई नहीं करते थे, जेएम फॉर्डलर में जरूर वो इन्वेस्ट करते थे, बट यहाँ पर देखेंगे तो 1.10% की हिस्सेदारी फॉरेन इन्वेस्टर्स ने भी खरीद के रख ली है। ओके तो DIS के पास कोई नहीं है। पब्लिक के पास देखी जाए तो पब्लिक के पास 25% की हिस्सेदारी है, बट 25 भी नहीं कहेंगे। अगर यहाँ पर देखे तो यहाँ पर अगर हम देखें 4, 2, 7, 8, 9, लगभग 9, 9.5-10% की हिस्सेदारी तो इन्हीं लोगों के पास है। इसके अलावा ये 15% की कह सकते हैं कि हिस्सेदारी पब्लिक के पास है। तो अच्छा खासा इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें नज़र आ रहा है। सारे के सारे मोस्टली शेयर अच्छे हाथों में हैं। ओके तो कंपनी का भविष्य भी काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। तो अगर फ्यूचर में अगर ये मौका मिलता है आपको बाय एंड डिप्स करने का, तो इसे बिल्कुल मत छोड़िएगा। इसके अलावा हम बात करें ऐसा, यहाँ पर देखिए बहुत हाई लेवल पर ये शेयर चल रहा है। ओके इसका RSI कितना चल रहा है? तो RSI की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 81% का इसका RSI चल रहा है। ओके यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर RSI चेंज होता हुआ नज़र आएगा आपको। तो यहाँ पर देख लीजिए कितना, 81% का RSI चल रहा है। तो मतलब ये शेयर काफ़ी ज़्यादा अपर लेवल पर है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये शेयर देखिए भाग गिरता और भागता बड़ा तेज है। तो इसे थोड़ा सा यहाँ पर देखिएगा, बट इसने जब भी गिरा है ना यहाँ पर इसने सपोर्ट लेता हुआ मोस्टली आपको नज़र आया, और उसके बाद यहाँ पर जंप देखी गई है। अगर कभी फ्यूचर में आपको ये बाय एंड डिप्स करने का मौका मिलता है, तो मुझे तो लगता है कि करना चाहिए। बट स्टिल अगर आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर पूछेगा,
क्योंकि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये केवल नॉलेजेबल पर्पज़ से बना रहा हूँ, और ये केवल बताने के लिए कि एक ऐसा शेयर भी है जो जीएम फॉडलर को सीधे टक्कर देता है। जीएम फॉडलर के पास 50% की हिस्सेदारी है मार्केट की, बट स्टिल ये भी कंपनी का पीछे नहीं है, छोटी सी कंपनी है। और तो इसके सब कुछ देख के ही, ध्यान में रख के अपनी पोजिशन लेना, खुद की स्टडी भी करना, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर पूछ लीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, और हमारे इस चैनल को ग्रो करने में थोड़ी मदद करिए, लोगों तक फैलाइए, बताइए लोगों को कि हाँ आप थोड़ा बहुत मार्केट के बारे में इस चैनल से जुड़ के सीख सकते हैं। और आप भी अगर कुछ चाहते हैं, आप भी मुझे अगर कुछ गलती होती है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं भी उसमें रेक्टिफाई करने की जरूर जरूर उसमें रेक्टिफाई करूँगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, गॉड ब्लेस।